மேவ ஜெயதே நான் ரத்தம். एक बार मिल सकता है? प्रॉब्लम है तो पुलिस स्टेशन आओ। अपन को किसी का फ्री में फेवर नहीं बनता है। Kill me also, kill me! काय लोगो, आज के दिन भी घर नहीं जाने का क्या? नहीं यार, वो ड्रग केस में दो रशियन का अरेस्ट किया है ना, कल सुबह उनको कोर्ट लेके जाना है। बस उसी का फाइनल पेपर वर्क तैयार कर रहा हूँ। मेरी बात मान, शादी कर ले। घर पे कोई इंतजार करने वाली होगी, इसी बहाने कम से कम घर तो जाएगा तू। अच्छा सुन, तू बोल तो लड़की मैं ढूंढ देता हूँ। एक काम कर, किसी पुलिस वाले से ही शादी कर ले, घर जाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। कुछ भी, चल भाई, इसी बहाने मुस्कुराया तो, मुझे लगा खाली गुस्सा ही आता है तेरे को। हेलो साहब, मैं वर्गीस। तो वो आपने मेरे रशियन फ्रेंड को अरेस्ट किया ना? मन तो मेरा था कि इन दोनों को वहीं पे शूट कर दो। पूरे गोवा को सड़ा के रखा हुआ इन लोगों ने ड्रग से, लेकिन क्या करूं, पुलिस वाला हूं ना, कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है, इसलिए अभी के लिए सिर्फ अरेस्ट किया, समझे? ओ साहब, ये तमाशा मैं पहली बार नहीं देख रहा हूं। अभी के अभी उन लोग को छोड़ना बनता है। क्यों बे, पुलिस तेरे बाप की है? हो समझा, अब उनको किसी का फ्री में फेवर नहीं बनता है। लोगो नहीं, पागल है क्या? लोगो नहीं, मैं मरता मर जाए, मेरे को रिश्वत देगा ये? पिछले महीने ऐसे ही किसी लफड़े में फंसा था तू। सुन, तेरा ये गुस्सा किसी दिन मरवाएगा तुझे। हाँ। लोबो, सच बता, तू नहीं मारा ना मेरे रोनी को? मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, इसे कोई पूछे ना क्या हुआ? इसने मेरे रोनी को मारा। ए बता था, काय को मारा मेरे रोनी को? आंटी, मैंने रोनी को नहीं मारा है, उसने तो खुद मुझे फोन करके बुलाया था। अरे झूठ बोलता है ये सब। मैं बताती हूँ आपको, 4 साल से ना इसकी जलन कम नहीं हुई है। रोशन ने इसको रिजेक्ट किया ना, इसलिए मेरे रोनी को इसने मारा साहब। अरे मैं क्यों मारूंगा रोनी को? मुझे नहीं पता। तू क्यों करेगा? मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज गेट माय रोनी बैक, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे मेरा रोनी दिला दे। लोगो, किल मी आल्सो, किल मी। नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा, खाकी एक वचन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पुलिस के ऊपर समाज सुरक्षा और अपराध रोकने की जिम्मेदारी होती है, परंतु जब पुलिस के ही एक अधिकारी पर अपराधी होने का आरोप लग जाए तो ये स्थिति बड़ी असमंजस से भरी हुई होती है। ऐसी ही असमंजस गोवा पुलिस के सामने तब खड़ी हो गई जब सब इंस्पेक्टर लोबो पर रोनी नाम के युवक की हत्या का आरोप लगा। सब इंस्पेक्टर लोबो पर हत्या का आरोप लगाने वाली महिला खुद मृतक की मां थी।
पुलिस इस आरोप को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो आखिर सच क्या था? क्या लोबो निर्दोष था या उस पर लगा आरोप सही था? सत्य जो भी हो, परंतु इस बार प्रश्न स्वयं खाकी पर उठा था। इसलिए अब कम से कम समय में असली अपराधी तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत आवश्यक हो गया था। तू यहीं रुक, मैं आता हूं। पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि तुम पहले पुलिस वाले नहीं हो जिसे मेरे पास भेजा गया है। हफ्तों तक तुम घर नहीं जाते, 4 घंटे से ज्यादा तुम सोते नहीं हो। अच्छा हुआ वो आदमी मरा नहीं, वरना तुम्हारी नौकरी भी जाती और तुम्हें भी जाना पड़ता जेल। डॉक्टर, उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, बस गुस्सा आ गया। तुम्हें गुस्से पर कंट्रोल नहीं करना है, तुम्हें गुस्से को पैदा होने से रोकना है। और मैं चाहता हूँ तुम अपने जीने का तरीका चेंज करो। तुम्हें बॉक्सिंग का तो शौक है ना? हेलो हेलो विंसेंट, कैसा है यार? कौन बोल रहा है यार? 4 साल में आवाज भी भूल गया। रॉनी, तेरी हेल्प चाहिए मुझे, एक बार मिल सकता है? प्रॉब्लम है तो पुलिस स्टेशन आओ। पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता, कुछ पर्सनल है। तो मैं क्या करूं? प्लीज यार, बहुत पर्सनल बात, हर किसी से नहीं कर सकता। रोशन से भी नहीं? नहीं, उससे भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। आंटी से बात कर लूं? बोला ना किसी से नहीं कर सकता। कहाँ मिलना है? शाम को 4 से 6 के बीच मॉम वॉक पर जाती हैं, तो मेरे घर पे 4:30 बजे। ठीक है, 4:30। ओके। रॉनी, 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 ए रॉनी, ए मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ तो लोगो। सर, मैं कितनी बार बोलूं कि मैंने रॉनी को नहीं मारा है। इनफैक्ट उसने मुझे फोन करके बुलाया था, उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है जो वो सिर्फ मुझसे कर सकता है। और सर, अभी सारे इल्जाम मुझ पे डाला जा रहा है। मुझे क्या पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते? अगर ऐसा करते तो पुलिस कब की तुमको अरेस्ट कर चुकी होती। लेकिन क्या है ना कि प्रॉब्लम तो है। अब उसकी माँ ने तुम्हें खुद देखा था वहाँ पे, एक विटनेस भी है। FIR तो अब करनी ही पड़ेगी। पिछले महीने तुमने एक आदमी को इतना मारा था कि वो मरते मरते बचा। अब मीडिया तो तुम जानते ही हो, मीडिया वाले भी तुम्हें अच्छी तरह से अब जानते हैं। देखो, मुझे पता है कि तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन एक सवाल तो है कि आखिर तुम्हारे दोस्त को किसने मारा? सर, अभी बस एक बात तो पक्की है कि पर्पस सिर्फ मर्डर ही था, क्योंकि पैसे, गहने, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दीजिए। नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे नाम पर FIR है। इन्वेस्टिगेशन पाटिल करेगा। लेकिन पाटिल सर, हमारे पास समय बहुत कम है। जिसने भी रॉनी को मारा है उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो सवाल हम पर उठेंगे। हाँ मिस्टर लोबो, SAP साहब का ऑर्डर है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए तुम सस्पेंड रहोगे। परेशानी की कोई बात नहीं, टेम्पररी। सर, क्या मैं एक बार लिज आंटी से बात कर सकता हूँ? ये गलती तुम भूल से भी मत करना। तुम रॉनी की फैमिली के आसपास भी मत जाना। जिसका बेटा गया हो, उस माँ के दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा है।
पर एक बात बताओ लोगों, तुम यहाँ 2 साल से पुलिस स्टेशन में मेरे साथ हो, तुमने कभी अपने दोस्त के बारे में अपने मुंह से कुछ बताया नहीं? अभी से किस केस के बारे में सोचने लगे सब इंस्पेक्टर विंसेंट? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज की शाम विंसेंट लोबो के नाम। चेयर्स। वैसे तुम्हारा नाम विंसेंट नहीं, सेंट विंसेंट होना चाहिए था। क्यों बोला? कम से कम आज के दिन तो बेयर ले आते, इतना परफेक्शन भी ठीक नहीं है। और हाँ, ये कॉफी से काम नहीं चलने वाला है। टेक अस टू सम लैविश डिनर। Sure, sure, why not? अब तुम पुलिस में आ गए हो, थोड़ा एटीट्यूड तो मैं भी दिखा सकती हूँ। क्या हुआ? कहना तो बहुत पहले से चाहता था, लेकिन वेट कर रहा था कि जब जॉब लग जाएगी तब सब कुछ बता दूंगा। मिस रशेल रोड्रिगेस, विल यू मैरी मी? ये क्या मजाक है विंसेंट? मजाक? मैं कुछ समझा नहीं। तुम रॉनी के बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम्हें अच्छे से पता है मेरा और रॉनी का रिलेशन, फिर भी तुम? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। देख विंसेंट, मैं मजाक उड़ा रहा था ना मेरा? हाँ, तू अच्छे से जानता था कि मैं रोशेल से प्यार करता हूं। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ था भी तो मुझे क्यों नहीं बताया? देख, मैं तुझे बताने ही वाला था। Shut up, Ronnie! Just shut up! अच्छा, मेरी बात तो सुन। और सर, shut up! Vincent! इसमें रॉनी की गलती नहीं है। I was the one who proposed. क्योंकि मैं रॉनी से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें बताने, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम हो कि रॉनी पे हाथ उठा रहे हो। Come on, रोशन, let's go. अभी तुम एक काम करो, घर जाओ, बट याद रखना रॉनी की फैमिली से दूर ही रहना। यहाँ पर आने की? देखो रोशन, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आंटी कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। कम से कम तुम तो समझो। एक तो तुमने रॉनी को मार दिया, ऊपर से यहाँ के तमाशा कर रहे हो, और तुम्हें पुलिस ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? लोबो, तू इधर क्या कर रहा है? आंटी प्लीज, मेरी गेट आउट राइट नाउ। आई से गेट आउट राइट नाउ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे मना किया था फिर भी तू वहां पहुंच गया। पता है उन दोनों औरतों ने आकर वहां स्टेशन पर कितना राड़ा किया? एसीपी साहब को पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे वो। गुस्से में तुझे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि तू खुद अक्यूज्ड है। मीडिया में बात पहुंचेगी तो पता क्या कहेंगे लोग, कि तू तो विटनेस को ही धमका रहा था। हम लोगों पर उंगलियां उठेंगी सो अलग। हो सकता है कि तुझे फिर अरेस्ट भी करना पड़े। तो कर लेना अरेस्ट, डरता हूं क्या? अरे जब मैंने कुछ किया नहीं है तो घबराऊं क्यों? ले, कर ले अरेस्ट। और वैसे भी कोर्ट में सब सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा लोबो साहब, पर तब तक आपकी आधी उम्र निकल चुकी होगी। देख भाई, हम सब तेरे साथ हैं, पर तू खुद ये सब करेगा ना तो फिर तो हम भी कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए अपने इस गर्म दिमाग को थोड़ा ठंडा रखने का है। साफ चाय। अच्छा पीते आजा। एक चीज थोड़ी अजीब है, रॉनी का फोन कहीं नहीं मिला। शायद मारने वाला अपने साथ ले गया। पर क्यों, क्या हो सकता है उसमें ऐसा? और कौन हो सकता है इसके पीछे? रॉनी पिछले 4 साल से अमेरिका में रह रहा था, उसका यहाँ पे कोई कौन दुश्मन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मनी वहां की हो और मर्डर यहाँ इंडिया में? एक बात सोचने वाली, रॉनी इंडिया आया पर रोशेल उसके साथ नहीं आई, जबकि ऐसे मामले में कि काफी दिनों बाद अब अपने देश लौटते हैं, मियां बीवी एक साथ आते हैं। रोशेल आई पर रॉनी की मौत के बाद, और रॉनी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ऑफ कोर्स रोशेल को। पाटिल तू ना पागल हो गया? अरे रोशेल प्यार करती थी रॉनी से। प्यार तो तू भी करता था रोशेल से, पर उसने क्या किया तेरे लिए? उल्टा रॉनी की मां की हां में हां मिला रही है। ऐसे मत देख मुझे, पुलिस वाला मैं भी हूं, मालूम है सब मेरे को। इसी लड़की की वजह से तूने आज तक शादी नहीं की ना? देख लोगो, दिल से काम लेने का वक्त नहीं है ये। और वैसे भी इस केस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर अब मैं हूं, जरूरत पड़ी तो रोशेल को बुलाना पड़ेगा जांच के लिए, क्योंकि तुझे हो ना हो मुझे पूरा शक है इस लड़की। Come in! कितनी खबर है यार, रॉनी के घर वाले लिए नलीपुरी में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, होता तो शायद कुछ हाथ लग जाता। रॉनी के फोन का कुछ पता चला? दोबारा तो ऑन नहीं हुआ वो, उसकी मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की थी हमने। रॉनी के घर से कुछ दूर तक तो फोन ऑन था, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। इवन लास्ट लोकेशन पर भी गया मैं, सिवाय समंदर के और कुछ नहीं है वहां पर। खैर तुझे कुछ दिखाना था मुझे। मैंने बोला था ना लो प्रोफाइल रहने को, ये सब पीछे पड़ गया अब हमारे, और हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन किसी और को ट्रांसफर कर दी जाए। पाटिल हाँ, लिज आंटी को ड्राइविंग नहीं आती, फिर भी उनके पास में कार है। तब तो कोई ड्राइवर भी जरूर रखा होगा उन्होंने। ये ड्राइवर पीटर किधर रहता है? उधर रहता है, ये मैं आ जाऊंगा। ए पीटर रुक। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर लोबो की ईमानदारी पर भरोसा जताते हुए अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था, परंतु प्रश्न यह था कि अगर लोबो निर्दोष था तो फिर असली अपराधी कौन था? कौन था जो रॉनी की हत्या के बाद सिर्फ उसका फोन लेकर चला गया? आखिर ऐसा क्या रहस्य था? काफी समय बीत चुका था और अधिक देरी पुलिस पर पक्षपात का आरोप भी लगा सकती थी, परंतु अब भी पुलिस के पास ऐसा एक भी सुराग नहीं था जो किसी अपराधी की तरफ इशारा कर रहा हो। ऐसे में सब इंस्पेक्टर पाटिल को तब बहुत आशा जगी जब उन्हें मृतक रॉनी के ड्राइवर के बारे में पता चला। रॉनी ने उसे कुछ ही दिन पहले नौकरी से निकाला था। क्या ये वो व्यक्ति था जिसका इस अपराध से कोई संबंध था, या इंस्पेक्टर पाटिल और लोबो को एक बार फिर से निराशा हाथ लगने वाली? साहब मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? मैं डर गया था साहब। कुछ किया ही नहीं तो डरा क्यों? जी उस दिन रॉनी साहब अमेरिका से आने वाले थे और उसी दिन मैडम ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो हमें लगा कि कहीं शक हम पे ना हो। पर तेरा फोन तो ये बता रहा है कि तू अभी लिज आंटी से ही बात कर रहा था। हाँ साहब, मैडम को मैंने कॉल किया था कि मुझे नौकरी पे रख लो दोबारा, पर मैडम ने हमारा बात सुना ही नहीं। वैसे निकाला क्यों था तुझे? छोटी सी बात पे साहब,
उस दिन बहुत ट्रैफिक था और मैं एयरपोर्ट गया था रॉनी साहब को लेने, पर थोड़ा लेट हो गया तो वो टैक्सी लेके आ गए। उसी बात पर मैडम गुस्सा हो गई और मुझे नौकरी से निकाल दिया। रॉनी साहब ने भी बोला कि जाने दो, पर मैडम ने उनकी नहीं सुनी। आप ही बताओ सच बात सर, रॉनी साहब की मौत से मुझे क्या मिलेगा? मैं तो एक ड्राइवर हूँ, ड्राइवर ही रहूँगा ना। चल जा। ठीक कह रहा है ये, रॉनी की मौत से इसको क्या मिलने वाला है? और वैसे भी जब रॉनी की मौत हुई तो इसका मोबाइल लोकेशन इसका घर ही था। इस बात के लिए तो एक विटनेस भी है हमारे पास, लिज आंटी से भी पूछताछ की मैंने, उसका भी कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। लोगों मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगता है कि रोशन का कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस मर्डर से। काफी रात हो गई, बुला भी नहीं सकते अब, पर कल सुबह तुझे रोशन से बात करनी ही पड़ेगी। रोशन, रोशन ने लेटर क्यों रखा हो? हेलो रोशन, रोशन रोशन ट्रस्ट मी, मैंने रॉनी को नहीं मारा। आई नो तुमने नहीं मारा, आई एम सॉरी, वो मैं बस थोड़ा कैरिड अवे हो गई थी। रोशन प्लीज तुम रो मत, एंड मुझ पे भरोसा करने के लिए थैंक्स। लेकिन ये सब अचानक कैसे? इसीलिए तुम्हारे घर आई थी, पर तुम मिले ही नहीं। क्या मैं अब आ सकती हूँ? अभी इतनी रात को? रोशेल मैं खुद तुम्हारे घर आ जाता, लेकिन पता नहीं आंटी मुझे देख के वापस से कैसे रिएक्ट कर दे। मैं मम्मी के घर पे नहीं हूँ, हमारे दूसरे वाले घर पे हो, अभी तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। बोलो क्या बात है? यहाँ नहीं, टेरेस पे आराम से चल के बात करते हैं, मैं कॉफी लेके आती हूँ। ठीक है। पुलिस को फोन करती हूँ। पता किसने भेजा तुझे? किसने भेजा तुझे? हेलो पुलिस स्टेशन। ये हो क्या रहा है विंसेंट? वो बात ये और पाटिल कुछ बोला उसने? कौन है, किसने भेजा था? कॉन्ट्रैक्ट किलर है, ऊपर से ड्रग एडिक्ट। किसी ने कुछ पैसे और रोशन की फोटो उसके घर के बाहर एक पैकेट में रख दिए थे, वही इसे बाकी बातें फोन पे समझा रहा था। उसी ने इसे बताया कि रोशन के घर के पीछे से टेरेस पर कैसे चढ़ा जा सकता है। जिस नंबर से कॉल्स आ रही थी वो फिलहाल बंद है, आईडी 100% फेक होगी, पता है मुझे। खूब तोड़ा उसे हमने, पर वो बार बार यही बात बोल रहा है। पर मुझे पता है तो ये किसी अंदर वाले का ही काम, कहीं आप तो नहीं? पाटिल व्हाट आर यू सेइंग? क्योंकि रॉनी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को होने वाला है ना, और ऐसे वक्त में भी आप रॉनी की मां के साथ न रहकर अकेले क्यों रह रही? मैं हमेशा से उसी घर में रुकती थी,
रॉनी की माँ के साथ कभी नहीं रुकी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी, उन्हें अकेले रहना था, इसलिए ऐसा। तू मुझे एक बात बता, रोशन खुद अपने आप पे अटैक क्यों करवाई? शायद हमें कंफ्यूज करने के लिए। देखिए मैडम, इस तरह के आंसू हम दिन में हजार बार देखते हैं। पहले तो आपने अपने पति को मरवाया, फिर आप पर शक न जाए तो आपने एक आदमी हायर किया, उसे बताया कि आपके घर के पीछे से टेरेस पर कैसे चढ़ा जा सकता है। उसके बाद आपने ठीक उसी वक्त लोबो को बुलाया, उसे अपने लिविंग रूम में ना भेजकर टेरेस पर भेज दिया कि अगर कुछ गड़बड़ी हो भी तो लोबो मारा जाए, और उसके बाद अगर वो पकड़ा जाए तो वो ये बोले कि वो तो आपको मारने आया था। पुलिस कंफ्यूज, जैसे अपनाया लोबो हो गया। I swear on my husband, sir. ये सब झूठ है। अच्छा, तो फिर आप इंडिया अपने हस्बैंड रॉनी के साथ क्यों नहीं आए? और ऐसी क्या बात थी जो रॉनी लोबो को बता सकता था पर तुम्हें नहीं? बोलो। क्योंकि हम काफी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम था। हाँ, अब आई ना बात, यही कहना चाह रहा था। अरे तो तुझे लगता क्या है? ये सब चीज रोशन ने करवाया है? लगता नहीं है, बल्कि ऐसा है, क्योंकि फोन पर रोशन की सुपारी देने वाला कोई आदमी नहीं, एक औरत थी। सब इंस्पेक्टर पाटिल को पहले भी रोशन पर थोड़ा संदेह था, पर इस नए रहस्य उद्घाटन ने उनके इस संदेह को और प्रबल कर दिया था। पाटिल को लगता था कि लोबो पर हमला रोशेल ने ही करवाया था, परंतु पाटिल के पास इस संदेह के पर्याप्त आधार भी नहीं थे। रोशेल के अपने पति की मौत के बाद भारत लौटना, अचानक रोशेल का लोबो को घर बुलाना और उसी समय हमलावर का वहां आना, ये केवल संयोग कैसे हो सकता था? दूसरे, रॉनी की मौत से सबसे अधिक आर्थिक लाभ केवल उसकी पत्नी रोशेल को ही होने वाला था। हालांकि लोबो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, उसे पूरा विश्वास था कि रोशेल ऐसा नहीं कर सकती थी। तो फिर सत्य क्या था? क्या रोशेल ने ही ये षड्यंत्र रचा था, या वो भी बिल्कुल निर्दोष थी और अपराधी कोई और ही था? अभी तक सिर्फ एक ही बात निश्चित थी कि रॉनी की मौत और रोशेल के घर हुए हमले के पीछे कोई एक ही व्यक्ति था, परंतु प्रश्न अब भी वही था कि आखिर इन दोनों घटनाओं के पीछे था कौन? लगता नहीं है, बल्कि ऐसा है, क्योंकि फोन पर रोशन की सुपारी देने वाला कोई आदमी नहीं, एक औरत थी। Then arrest me, officer. लेकिन ऐसे accusations मेरे पर मत लगाइए। I loved my husband. अरे छोड़िए मैडम, बहुत सुनी है ऐसी कहानियां। Enough is enough. रोशन ने मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद गया था उसके पास में। और पहली बात तो ये कि उसे कैसे पता चला कि मैं आ ही जाऊंगा? इसलिए प्लीज बेमतलब के सवाल पूछ के उसकी इंसल्ट मत कर। बिल्कुल नहीं करूंगा, पर लोबो भी ऐसा नहीं कर सकता। और तुम लोग बार बार ये बात कह रहे हो कि तुम्हारे मिस्टर का मर्डर लोबो ने किया। सर, विंसेंट ने नहीं मारा रॉनी को, मैं उसे बोल चुकी हूँ, यही क्लियर करने उसके घर गई थी। मैंने और रॉनी ने अपने सेलफोन की लोकेशन शेयर की हुई थी ऑफिसर, उसकी डेथ घर पे हुई थी, और विंसेंट को भी मॉम ने घर पे देखा था। फिर रॉनी का फोन घर से दूर कैसे चला गया? I'm sure, officer, कि किसी बाहर वाले का काम है, उसने रॉनी का मर्डर किया फिर उसका फोन लेके चला गया। अच्छा है, कम से कम आपने ये तो माना कि लोगो बेकसूर है। Come, one second. आओ ना, आओ बैठो। विंसेंट, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, मैं अपने घर चली जाती। रोशेल, वो आदमी तुम्हारे लिए आया था, और आगे जाके दोबारा तुम पे कोई हमला नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये रिस्क हम नहीं ले सकते। वैसे भी देखो ना, रात के 3 बजे, वरना मैं खुद तुम कांटलेस के पास छोड़ देता। देखो, कुछ ही घंटे की बात है, ठीक है? डोंट वरी। और हाँ, कल से तुम अकेली नहीं, आंटलिस के साथ रहोगी, ओके? अच्छा एक काम, तुम उस रूम में सो जाओ, मैं इधर सोफे पे सो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। आई विश मैं रॉनी के साथ आई होती, तो
वो आज जिंदा होता। कॉफी। रॉनी के फोन का कोई क्या करेगा? ये सवाल तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा रोशेल, रॉनी इंडिया किस लिए आया था? हमारे गोवा में 3 घर हैं और रॉनी यूएस में अपना बिजनेस सेटल करना चाहता था। मॉम का घर छोड़कर वो बाकी दोनों घर बेचना चाहता था। एक घर तो उसने बेच भी दिया था और मेरा घर जिसमें मैं रह रही हूँ वो घर रॉनी बहुत जल्दी बेचने वाला था। हमारे बीच काफ़ी टाइम से कोल्ड वॉर चल रहा था, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज एंड ऑल। लेकिन जब रॉनी ने वो घर बेचा तो उसका सारा अमाउंट मेरे ही अकाउंट में ट्रांसफर किया। अच्छा रोशेल, रॉनी ने मुझे जब उस दिन फोन किया था मिलने के लिए तो वो रो पड़ा था। उसने बोला कि कोई ऐसी बात है जो वो हर किसी से शेयर नहीं कर सकता। तो ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो तुमसे भी शेयर ना कर पाए? पता नहीं। काश रॉनी ने उसी दिन सब कुछ बता दिया होता फोन पे, तो आज हम इस तरह अंधेरे में नहीं भटक रहे। इस अंधेरे से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? रॉनी की माँ आंटी लेस, देखो FIR तुम्हारे नाम पर है, पर हम जानते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया। अब अगर मैं इस चार्जशीट को फाइनल रिपोर्ट में बदल भी दूं तो आंटी लेस उसे कोर्ट में चैलेंज कर देगी, केस फिर से शुरू हो जाएगा। और आज फिर 2 पेपर्स में निकला है कि पुलिस तुझे जानबूझकर बचाने की कोशिश में लगी है। हो सकता है कुछ दिन में ये टीवी वाले भी मैदान में आ जाएं। उस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे, या तो हम असली कातिल तक पहुंच जाएं, या तो आंटी लेस ये बात मान ले कि तुम निर्दोष हो। तू बात करेगा उनसे? नहीं, मैं ऑन ड्यूटी हूं, मैं नहीं कर सकता, तुझे करना पड़ेगा। पाटिल तू ये कह रहा है? हाँ मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मान ले कि मैं जाके लेस आंटी से बात करता हूँ, तो तुझे क्या लगता है वो मेरी बात मानेगी? रोशल बोलेगी तो मानेगी। अब खुद गॉड भी आके मुझे बताएगा ना तो भी मैं उसकी नहीं सुनूंगी। मॉम मेरी बात समझ लीजिए। इतना गिर सकती है ना, ये मैंने सोचा भी नहीं था। अरे मैंने अपने आंखों से इसे रॉनी के साथ देखा है और तुझे इनोसेंट लगता है? लेकिन मॉम ऐसा कुछ भी, इतना ही जेंटलमैन लगता है ना, वो इससे ही शादी कर लेती ना। एक मिनट, कहीं तुम दोनों ने मिलकर मेरे रॉनी को, ओह माय गॉड। मॉम ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा उसकी जन्म दिया है मैंने उसे, तेरी तरह मैं अपने बेटे को भूल नहीं सकती ना। ठीक है, अब पुलिस मेरी हेल्प करे नहीं करे, गॉड मेरी जरूर हेल्प करेगा और मैं इसे सजा दिलवा के रहूंगी। मॉम ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ये आदमी मुझे वापस यहाँ पे दिखाना तो गॉड प्रॉमिस मैं अपने आप को किल करूंगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो, चाकू है ये। Leave right now। गलती मेरी ही थी, मुझे लगा कि रोशल बोलेगी तो लिज आंटी मान जाएगी, पर मैं गलत था। पता है लिज आंटी ने ACP के पास हैरेसमेंट की कंप्लेन की है। कुछ भी हो सकता है, हमारे पास अब समय बहुत कम है, अब हमें हर हाल में कातिल को पकड़ना ही पड़ेगा। सबसे पूछताछ कर ले, रोशल और पीटर इन दोनों में से तो कोई नहीं है, बाकी बचती लिज आंटी रॉनी की माँ। पर वो क्यों करेंगी ऐसा, ये भी नहीं, तो बचता कौन है? है कौन? एक आदमी और है। रोशल बता रही थी कि अभी हाल ही में रॉनी ने अपना एक घर बेचा था, हो सकता है कि लफड़ा वहीं पे हो। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, व्हाट हैपेंड, ही वॉज ए नाइस पर्सन, लेकिन उस दिन वो काफी परेशान सा था और उसी दिन मैंने उसके अकाउंट में 1.75 करोड़ ट्रांसफर कर दिए थे। वो पैसा तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन वो तो सिर्फ 1.25 करोड़ था। बराबर है, 50 कैश था, मैंने खुद उनके घर पे ले जाकर दिया उनकी मॉम के सामने। विंसेंट,
मॉम ने मुझे इस कैश के बारे में क्यों नहीं बताया? और अगर ये पैसे चोरी हुए भी हैं, तो लिज आंटी ने पुलिस को कुछ क्यों नहीं बताया? ओए, ये क्या कर रहे हो? कहीं भी गंदगी फैलाते हो तुम लोग, चल निकल। सॉरी सर। यस। क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी चलो मेरे साथ। एक मिनट। देखो हाँ लोगो, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी जगह पे आओ, जाओ। अब मैं दरवाजा बंद करूंगा, तुम इसे खोल के अंदर आना। अब ये देखो, इट मीन्स एग्जैक्टली, अगर घर के बाहर से किसी ने मारा होता तो खून फ्लोर पे होता, लेकिन खून दीवार पे भी था। इसका मतलब कातिल घर के अंदर ही था। कातिल बाहर से नहीं आया था, वो पहले से ही घर के अंदर मौजूद था। अब लिज आंटी और रोनी के अलावा घर की चाबियां सिर्फ ड्राइवर के पास ही हो सकती है। उसने इतने साल काम किया वहां पे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है घर की डुप्लीकेट चाबियां बना। हो सकता है वो घर पे चोरी के इरादे से आया और तभी वहां पे रोनी आ गया। लेकिन एक बात और अशर, अगर घर से पैसा या किसी और चीज की भी चोरी हुई होती तो लिज आंटी ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? और वो कौन सी बात थी जो रोनी मुझे बताना चाहता था? इट्स ऑल कनेक्टेड। लेकिन जो भी हो, इस ड्राइवर को पढ़ने में हमसे बहुत बड़ी गलती है। हाँ पाटिल। यार लोबो, हमने इस ड्राइवर पीटर की कॉल डिटेल्स तो चेक की पर बैंक स्टेटमेंट नहीं देखा। एक मामूली से ड्राइवर के अकाउंट में 25 लाख रुपए जमा हुए, वो भी ठीक रोनी की डेथ के अगले दिन। आंट लिज, हाँ? छी, अरे तुझे तो आंटी बोलने में भी शर्म आती है। पर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? ये हम सोच भी नहीं पाए। और वही पीटर, उस दिन एयरपोर्ट कितना लेट पहुंचा था तू? सच्चाई मैं बताता हूँ तुझे, तू उस दिन एयरपोर्ट गया ही नहीं था, क्योंकि एयरपोर्ट के किसी भी सीसीटीवी कैमरा में ना तो तू ना तो तेरी कार दिखाई दी गई। अरे तुम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि रोनी आने वाला इंडिया, वो तो इसे सरप्राइज देना चाहता था अपनी माँ को, लेकिन तूने ही रोनी को सरप्राइज दे दिया। नहीं, रोनी के पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी और उसी से वो घर के अंदर गया, और अंदर जाके उसने इन दोनों को एक साथ देखा, उसी तरह जिस तरह मैंने देखा। उसने तो शायद सबूत के तौर पे इन दोनों के फोटोज भी खींचे थे अपने मोबाइल से, और इसीलिए उस मोबाइल को इसने गुम कर दिया। उसी दिन इसको काम से निकाल दिया गया, लेकिन इसने नहीं, रोनी ने निकाला। उसके बाद भी ये दोनों फोन पे बात करते रहे, क्योंकि ना तो तू इसके बिना रह सकता था और ना तो ये बेशर्म औरत तेरे बिना रह सकती। रोनी के रहते हुए तुम दोनों मिल नहीं सकते, इसलिए तुम लोगों ने सोचा कि उसको रास्ते से ही हटा देते। और अब तो घर में 50 लाख रुपए कैश भी थे, कैसे मरवा दिए तुमने रोनी को? अरे उस रोनी को जिसे तुमने खुद पैदा किया था अपनी कोख से। छी। और तू पीटर, रोनी तेरे लिए बहुत स्ट्रांग था, तेरे अकेले के बस में नहीं आता, तो इसलिए तूने किसी और का भी सहारा लिया। कौन था वो? बता कौन था वो? बताता हूं साहब, उस दिन पीटर,
उसके फोन में हमारा फोटो है रे, अब क्या करें? I love you, Peter. Please, अब खेल खत्म करने का टाइम आ गया है. पता है ना क्या करना है? समझ गए? आगे की कहानी मैं बताता हूँ. रोनी का मर्डर करने के बाद तुम लोगों को लगा तुम लोग साफ बच गए. तब तुम लोगों ने सोचा कि अब रोशेल को भी रास्ते से हटा देते. लेकिन इस बार तुम लोगों ने खुद उसे मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि बाहर से किसी और को हायर किया. रोनी के मरने के बाद सारी जायदाद रोशेल की होने वाली थी, लेकिन अगर रोशेल ही रास्ते में नहीं रहती तो सब कुछ इसको मिलता. बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं एक बार फिर से टाइम पे पहुंच गया. काश कि मैं रोनी के वक्त भी टाइम से पहुंच पाता तो शायद आज वो हमारे साथ होता. अब जेल में आराम से एक साथ रहना तुम. और हाँ, अगर जरा से भी शर्म बची हो ना तो कोर्ट का फैसला आने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरना. ले जाओ इसे अंदर. जी. सो अरे भाई, अब सल्यूट की जरूरत नहीं है. अब हमारा रैंक बराबर का है. तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है भाई, प्रमोशन के साथ. कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच सर. मिठाइयां मत भूलना. डेफिनेटली सर, जब आप कहें. कौन इस सत्य पर विश्वास करेगा कि एक माँ जिसके नाम से ही मन में सिर्फ प्रेम और ममता जैसे शब्द उभरते हैं, वही अपने अनैतिक संबंधों और स्वार्थ के लिए स्वयं अपने ही बेटे की हत्या करवा दे और मां जैसे पवित्र शब्द तक को कलंकित कर देगी. अंततः लिज का भी घिनौना सच पुलिस के सामने आ ही गया. आज लिज पीटर और उसके साथी रोनी की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 ए और 120 बी के तहत और रोशेल पर जानलेवा हमले के आरोप में धारा 307 के अंतर्गत जेल में. सब इंस्पेक्टर लोबो को उनकी ईमानदारी का पुरस्कार मिला. न केवल उन्हें सम्मान के साथ ड्यूटी पर वापस बुलाया गया, बल्कि उन्हें इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट भी कर दिया. परंतु इंस्पेक्टर लोबो को इस बात की अधिक खुशी है कि इस खाकी पर कोई दाग नहीं लगने पाया. इसी के साथ मैं अमन यतन वर्मा आपसे विदा लेता हूं. फिर मिलेंगे खाकी एक वचन में एक ऐसे ही ईमानदार ऑफिसर की कहानी के साथ, क्योंकि अब जुर्म खत्म. यह है खाकी एक वचन.